स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो नंबर दिस इज वीडियो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये उसी की कॉन्टीन्यूएशन में हम एपर डेप्थ के कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर द क्वेश्चन नंबर वन विल बी दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर वन इसको अच्छे से देखोगे आप ऑब्जेक्ट जो है वो वॉटर के अंदर है दैट इज वाई द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देयर इज गिवन फोर बाई थ्री आई जिधर से हम देख रहे हैं दैट इज प्लेस्ड एट मीडियम विद रिटिव इंडेक्स वन मीन इट इज इन एयर फिर हमें डिस्टेंस बिटवीन द इमेज पता लगाना है क्योंकि आपको बताना है कि यहां पर दो इमेजेस फॉर्म होंगी मैं आपको बताऊंगा कि आई को दो इमेजेस यहाँ क्यों दिखाई देंगी आई को यहां दो इमेजेस इसलिए दिखाई देंगी पहले तो देखो पहले तो इधर से जो रेज आएंगी अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरा इसको जो ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ना देखना इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना मैं आपको बताता हूं एक रे तो आप सीधी बना दो आपको मालूम है वो हमें फायदा हो जाता है सीधी बनाने का ज्यादा नाटक नहीं करना पड़ता ठीक है फिर दूसरी रे आई को बड़ी मान लो मैंने आपको बोला कि इतनी इतना एंगल होता नहीं है इंसिडेंस का लेकिन हम दिखाते हैं हमें हमारी मजबूरी है कि हम कॉपी पे दिखाएं कैसे एग्जामिनर को कि भाई एंगल कितना है ठीक है तो ये आएगा वो आपको मैंने सारी बातें बताई हैं पहले ये आ गया आपका यहां से आई ना जब ये यहां आएगी ना तो ये यहां को डिविएट हो जाएगी ये बात आपने समझ ली क्यों बिकॉज आप अगर इसका वो बनाओ क्या नॉर्मल एंगल आई एंगल आर एंगल आर बड़ा होगा रेयर मीडियम में बड़ा होता है एंगल इंसिडेंस एंगल से ये सब समझ आ गया अब जो आई यहां इसको देख पा रही है दैट दैट इज दैट इज ये आई को एक जो डायरेक्टली इमेज नजर आ रही होगी ना बिना प्लेन मिरर की हेल्प के वो ये है ओ डैश ओ डैश ये बात पहले इसको समझना है हमने कोई रे डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है मैं बता देता हूं ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन में ये क्या लिख दिया उसने डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फाइंड करो उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि एक इमेज उसको ये दिखाई दे रही है ओ डैश जो डायरेक्टली उसको दिखाई दे रही है क्योंकि पानी के कारण उसको ये दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन इसका ये बन गया फाइन दूसरा अब इसकी इस ओ की एक इमेज बन रही होगी प्लेन मिरर में जो आईने देखनी है बिल्कुल इस ओ की एक प्लेन मिरर में इमेज बन रही होगी प्लेन मिरर याद करो प्लेन मिरर याद करो ओ डैश कहाँ बनेगा आपको मालूम है अच्छे से ये आ गया ओ डैश इसको मैं थोड़ा सा ना थोड़ी चेंजेस ला रहा हूं कारण ये कि आपको डायग्राम में कुछ बता पाऊं मैं ये देखो देखो आप इस बात को समझोगे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये ओ डैश कहां बनेगा ये ये ओ डैश नहीं इसको आप कुछ भी नाम दे दो इसको नहीं नाम दे रहा मैं कुछ भी ये आपकी इमेज बनी जो प्लेन मिरर के अंदर बनी ठीक है ये प्लेन मिरर के अंदर बनी और वो क्यों बनी वो आपको सब पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के अंदर ये ऐसी इमेज क्यों बनती है वर्चुअल इमेज बनी जो ये आई देख पाएगी बिल्कुल देख पाएगी लेकिन वो यहां नहीं देख पाएगी कि यहां है ये ओ इसको क्या नाम दू मैं इसको आई लिख दो इमेज को जो प्लेन मिरर में इमेज बनी किसकी ओ की उसको हमने आई लिख दिया वो इस तरह से बनी अब अगर ये वाटर वगैरह नहीं होता तो ये रेज तो निकल जानी थी सीधा तो आई को यही दिखाई देना था लेकिन अब ये जो रेज जो रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्लेक्ट होके नॉर्मली आई में से सीधा पहुंच जाती थी लेकिन इस बार वो ऐसे जाएंगी वो ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी और उसके कारण यहां पे कहीं पे हो सकता है कहीं पे भी वो हमें नहीं मालूम अभी कहां वो कैलकुलेशन बता देगी एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन करेंगे ना हम अब मैं बताता हूं आपको पहली बात समझो अगर ये वाटर नहीं होता तो ये आई ये रेज ही गई होती और आई को क्या लगना था कि इमेज दूसरी इमेज उसको कहां दिखाई देनी थी यहां लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट निकलती नहीं है रिफ्रैक्शन होगी इनमें रेयरर मीडियम में जा रही है तो कैसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जब हमने इसको एक्सटेंड किया जब हमने इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ तो वी गॉट क्या ये देखो कुछ लगभग यहां पे अब मालूम नहीं है हमें कहां है एग्जैक्ट डिस्टेंस बताऊंगा आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं तो सिर्फ अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं आप भले बात समझो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर वो पहले तो बात ये है कि भाई चल क्या रहा है ठीक है चल क्या रहा है उसको समझ रहे हैं तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया आप देखो जरा प्लीज ध्यान से ये 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 बना ओ डैश ओ डबल डैश ये दूसरी यहां दिखाई दी ये समझना है बस अगर आपको ये बात समझ आप ये समझे बिना जो मैंने आपको अभी तामझाम समझाया ना करना नहीं है करना नहीं है ये लेकिन इसको समझे बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता कि भाई बोल क्या रहा था वो कि दो इमेजेस क्यों क्यों बोला उसने डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फाइंड करो क्योंकि यहां दो इमेजेस बनेंगी फिर आता है क्यों बनेंगी दो इमेजेस आपको दोनों बना के दिखाई मैंने क्योंकि इस आई तक एक एक इस रिफ्लेक्टेड रेज की रिफ्लेक्टेड रेज बाई प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज बाई प्लेन मिरर की जो रेज हैं वो रिफ्रेक्ट होकर मिलेंगी और एक जो डायरेक्ट रिफ्रेक्शन होगी एक जो डायरेक्ट रिफ्रैक्शन होगी एक वो जो प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज की रिफ्लेक्शन होगी और मैंने आपको टुकड़ों में बताया वो भी इकट्ठा नहीं बताया इकट्ठा बताता तो वो डायग्राम ही नहीं दिखाई देनी थी आपको तो इतनी बात हमें क्लियरली समझ आ गई कि भाई बननी तो यहाँ दो हैं अब देखते हैं ज़रा कि भाई वो कैसे 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 हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और दोनों के बीच में दोनों की पोजिशन फाइंड करेंगे दोनों की पोजिशन फाइंड करेंगे फार्मूला लगाएंगे एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी डैश अपॉन डी का फार्मूला लगा के हमें पता चल जाएगा कहाँ बनेगी कोई ज्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना मुश्किल है इसको क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है बता देता हूं एक बार वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं आने वाली आप देखो आप बोलोगे सर ये क्या मिटा क्यों रहे हो आप मैं मिटा इसलिए रहा हूं कि कोई जरूरत नहीं मुझे इनकी मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं मुझे सिर्फ ये चाहिए था अब मैं बता रहा हूं आपको देखो पहली जो रिफ्रेक्शन आई वो उसके लिए उसके लिए देखो रेज कहां से आई जहां से रेज आई होती है वो तो पहला फॉर्मूला लगाओ एन टू अपॉन एन वन पहले वाले के लिए इक्वल टू डी डैश अपॉन डी डी डैश अपॉन डी और ये आई समझ लेना ये डिस्टेंस हम कुछ नहीं ले रहे ये नेगलिजिबल स्मॉल डिस्टेंस है मतलब आई बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है समझ लो ठीक है तो एन टू एन टू क्या होता है जहां पे रे पहुंच रही है वन जहां से रे निकल रही है डी डैश हमेशा निकालना होता है D की वैल्यू ट्वेल्व ठीक है तो D- डैश इक्वल टू क्या आ गया D- डैश इक्वल टू आ गया इक्वल e टू आ गया ट्वेल्व इन टू थ्री बाई फोर इक्वल टू नाइन तो नाइन सेंटीमीटर पे सरफेस से नाइन सेंटीमीटर सरफेस से नाइन सेंटीमीटर मतलब यहां मतलब 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 मतलब, मतलब, मतलब यहां ठीक है तीन सेंटीमीटर का गैप है और ओ डबल डैश के बीच में मैं इसको क्या लिखूं आप चलो ओ डैश ही लिखते हैं या आई वन भी लिख सकते थे आप इमेजेस की बात हो रही है तो आई वन भी लिख सकते थे तो ये डिस्टेंस कितना निकाल लिया आपने थ्री सेंटीमीटर ठीक है अब सेकंड वाले के लिए अब सेकंड वाले के लिए समझना उसमें भी फॉर्मूला सेम लगा रहा हूं डी डबल डी डबल डैश लिखूंगा वहां डी डबल डैश अपॉन डी लिख दिया अब जब डी डबल डैश अपॉन डी लिखा पहले एन टू क्या लिखेंगे टू क्या लिखेंगे एन टू वही लिखेंगे एन टू कहां से कहां से देखो ना इन इसकी इधर से रेज आ रही है और इधर पहुंच रही है इसलिए फिर से वन अपॉन फोर बाई थ्री इज इक्वल टू डी डबल डैश डी डबल डैश को क्या लिखूं निकालना है मुझे डी क्या लिखूं डी समझना कहाँ है वो याद है आपको कहां है इसकी इमेज कहां है जितने डिस्टेंस ये है प्लेन मिरर के कारण उतने ही डिस्टेंस दूर बनती है आपकी इमेज किसकी प्लेन मिरर की इमेज प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनी आपको मालूम है ये डिस्टेंस बराबर होता है अगर ये ट्वेल्व है तो ये भी ट्वेल्व होगा और अल्टीमेटली मुझे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने होते हैं सरफेस से ये भी ट्वेल्व है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इक्वल टू थर्टी सिक्स डी डबल डैश इक्वल टू थ्री बाई फोर इन टू थर्टी सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ठीक है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर निकाल लिया अब ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर कहां से डिस्टेंस है कहां से है कहां से डिस्टेंस है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर सरफेस से वही बताना है आपको मैं बताता हूं अभी देखो अब हमें ओ ओ डैश की भी पोजीशन मालूम है ओ डबल डैश की भी पोजीशन मालूम है और हमने ये निकाल लिया मैंने क्या बोला ये तीन सेंटीमीटर मैंने पहले बताया था आपको ये बारह ठीक है और यहां से यहां ओ, द, ओ डबल डैश की दूरी यहां से कितनी है यहां से यहां तक कितना है ट्वेंटी सेवन तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कितना हुआ तीन तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है थ्री प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री इक्वल टू तो क्या लिखा है एटीन सेंटीमीटर तो एटीन सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो दिस इज ओअर नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में माइन्यूट से डिफरेंस है मैं आपको बताऊं कुछ भी टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिर्फ उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया यहाँ पे इन कंपैरिजन टू प्लेन मिरर सॉरी 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 कन्वैक्स मिरर डाल दिया जबकि वहां पे प्लेन मिरर था अब जब प्लेन मिरर आएगा जब प्लेन मिरर था तो इमेज की पोजीशन बड़े मजे से निकाल ली थी जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर होगा तो आपको मालूम है इसकी इमेज कहाँ बनेगी एग्जैक्टली ट्वेंटी सेंटीमीटर इधर ये फायदा होता है प्लेन मिरर का जो मेन फायदा है लेकिन इन केस ऑफ अदर मिरर्स इन केस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स वो एवर इट में भी वट्स इट मे बी कोई भी हो आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि सिर्फ वहां पे इमेज की पोजीशन आप इतनी जल्दी नहीं बता सकते बट बता तो सकते हो ना कैसे कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब तो क्या ये इमेज की पोजीशन तो फिर वही कहानी वही है दो इमेजेस इसको क्यों दिखाई देंगी एक तो ये इसको यहां नजर आएगा ओड एस जो डायरेक्टली नजर आएगा बिना रिफ्लेक्शन के मिरर को मिरर के बिना ओ डैश एक इधर नजर आना है ओ डबल डैश ये इमेज इधर बनेगी कहीं हो सकता है कहीं पे भी बने बट लेट इट भी यहाँ बनेगी ठीक है इमेज अगर यहाँ बनेगी तो फिर फिर से दोबारा उसको ओ डबल डैश कहीं और दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा नो बडी नोस नो बडी नोस आपको सीधा सीधा बता देता हूँ नो बडी नोस बट आपको ये समझना है इस केस में कि भाई आई जो बनेगा इसका भी एक और ओ डबल डैश नज़र आना है आई को ये आई डायरेक्ट नज़र आता आई को देखो ध्यान से ये इमेज डायरेक्ट नजर आती हमारी आई को अगर बीच में पानी नहीं होता समझ आई बात बीच में अगर वाटर है उसने उस, उसने रिफ्रैक्शन क्रिएट करनी है इसलिए आई मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यहां नजर नहीं आएगा जो इमेज आपके मिरर ने बनाई है वहां पे ही आपको वो नजर नहीं आएगी ये किसके कारण ये पानी के कारण ये डेंसर मीडियम के कारण आपकी रेज फर्दर बेंड कर जाएंगी थीके? वो सारी कहानी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाई फिर से अब मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करने वाला अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको एक बार यही सब सारी स्टोरी जल्दी जल्दी ठीक है क्या एक तो यहां से रेज नॉर्मली निकलनी थी और सीधा आई के अंदर घुसनी थी और इसको ऑब्जेक्ट यहीं नजर आना था लेकिन काम क्या खराब हुआ कि भाई ये तो मुड़ गई जब ये मुड़ गई मुड़ गई तो क्या हुआ यह हुआ, यह हुआ। यहाँ पे ओ डैश नज़र आया आई को ठीक है ये हो गया डायरेक्ट ठीक है ये वाली बात तो आपको ये समझ आई चलो उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं ओ डबल डैश की कुछ नहीं है मुश्किल वो तो पहले भी की हमने कुछ नहीं है इसमें डी डैश अपॉन डी इक्वल टू एन टू एन टू अपॉन एन वन d dash equal to three by four into twenty equal to fifteen centimeter equal to fifteen centimeter तो so fifteen centimeter ये आ गया कि मतलब ये fifteen centimeter के डिस्टेंस पे मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना आया फाइव सेंटीमीटर मुझे इन दोनों का नहीं निकालना है मुझे दूसरे ओर डबल डैश का निकालना है पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझो एक एक बात को तो ये आ गया फिफ्टीन सेंटीमीटर अब अब नेक्स्ट क्या होगा एक जो रे घुसी वो तो घुसी घुसी अब और क्या होगा और क्या होगा मैं आपको बताता हूं ये आपका कौन सा मिरर है ये आपका कन्वेक्स मिरर है आओ देखें कन्वेक्स मिरर की स्टोरी कन्वेक्स मिरर की स्टोरी देखते हैं ऑब्जेक्ट यहां है ये वाली ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेने वाले हो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट यू इक्वल टू क्या आ गया माइनस ट्वेंटी ठीक है एफ इक्वल टू प्लस ट्वेंटी वी इक्वल टू यू एफ अपॉन माइनस प्लस आएगा माइनस आएगा U माइनस एफ माइनस आएगा प्लस आएगा तो प्लस कितना आया प्लस टेन प्लस टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर मतलब यहां कहीं यहां कहीं कैसे बना यहां कहीं आप बताओ दुनिया को कि भाई हुआ कैसे ये समझाओ उसको और खुद को भी समझो भाई ऐसे हुआ होगा कुछ जब रेज इस ऑब्जेक्ट से इधर गिरी होंगी वो ऐसे निकल गई होंगी बाहर नहीं निकालो बाहर नहीं निकल सकती सीधी ये ऐसे ऐसा हुआ थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूं मैं ये ठीक है समझना इंपॉर्टेंट है डायग्राम साफ सुथरी बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो ठीक है ये आ गया अब यहां से ये फिर से बैंड करेंगी इसलिए वो यहां नजर नहीं आएगा वो कहीं और नजर आएगा बस वही सेम स्टोरी है एग्जैक्ट कहां नजर आएगा उसका हम पता लगाते हैं ये हमें पता चल गया टेन सेंटीमीटर आई ये आ गया आपका फिफ्टी सेंटीमीटर ये आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर तो मैंने क्या लिखा मैंने क्या लिखा वो देखो मैंने लिखा डी डैश डी डबल डैश लिखता हूँ इसको डी डबल डैश अपॉन डी अपॉन डी नहीं लिखो अपॉन फिफ्टी आपको समझ आया फिफ्टी मैंने मार्क भी करके रखा आपके लिए फिफ्टी इक्वल टू इक्वल टू थ्री बाई फोर डी डबल डैश इक्वल टू इक्वल टू थर्टी सेवन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब बताओ कितना डिस्टेंस आया दोनों के बीच में ये है आपका कौन कितने सेंटीमीटर पे फिफ्टीन सेंटीमीटर पे मतलब ये फाइव ये आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस टेन थर्टी मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ नहीं 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 यहाँ थोड़ा ना थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डी डबल डैश थर्टी सेवन पॉइंट फाइव आया मतलब ओ डबल डैश तो मार्क करो पहले ये आ गया ओ डैश ओ डबल डैश कहाँ आएगा ओ डबल डैश थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो चालीस ये था अंदर बनेगी यहाँ यहाँ दिखेगा उसको यहाँ बनी यहां दिखा यहां यही ऑब्जेक्ट उसको दो बार दिखा एक यहां दिखा एक यहां दिखा, एक यहां दिखा। कितना बढ़िया चीज़ है ये देखो आप एक एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए जो जो मैंने आपको बताई अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यहां से लेके यहां तक कितना है पूरा यहां से लेके यहां तक उसमें से ढाई कम कर दो टू पॉइंट फाइव उसमें से कम कर दो तो कितना है फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइन हाँ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लास्ट आंसर डिस्टेंस बिटवीन द इमेज इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज द रिजल्ट इसको एक एक चीज को नोट कर लो इसमें से एक एक बात देख लो कैसे कैसे आया ये सब डी डबल डैश अपॉन फिफ्टी इक्वल टू तो थ्री बाई फोर डी डबल डैश इक्वल टू तो ये अंदर की तरफ बनेगी इमेज बनी यहां लेकिन आई को दिखी यहां वो क्यों दिखी वो भी आपको मैंने बताया वो भी मैंने बताया वाटर नहीं होता तो यहां दिखती लेकिन वो यहां दिखी अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला देख लो दोबारा से बता देता हूं ये कितना ये कितना फाइव ठीक है फाइव फाइव प्लस फाइव प्लस पूरा यहां तक कितना हो गया ट्वेंटी फाइव लेकिन ट्वेंटी फाइव में से ये टू पॉइंट फाइव कम है क्योंकि थर्टी सेवन पॉइंट फाइव पे बनी है ना तो टू पॉइंट फाइव जो टोटल फोर्टी है तो टू पॉइंट फाइव तो कितना आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को कोई मुश्किल नहीं है अच्छे से दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के थे सेम अब आप बोलोगे सर तीसरा क्वेश्चन भी करवाओ कनके वाला वो क्या करना है आपको पता चल गया कैसे करना है आपको आपको कोई रे डायग्राम जरूरत नहीं है बिल्कुल समझ वो सिर्फ समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको डिटेल में आपको सब बता दिया अच्छे से इसको करके रखो